अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ बता दो ना, सच बता दो। देखो ना कितने टेंशन में है वो। देखते के अंदर भी ये सारे सवाल होंगे, लेकिन वो नहीं कहेंगे। वो इस घर के राम बेटे हैं, इसलिए सब सह रहे हैं। माँ बता दो उन्हें, सच बता दो। खाया था बेबी? माँ बताओ, कहो मेरा, बताओ। ये क्या सुन रहे हैं? अंशुमन इस घर का खून नहीं है? इतने बड़े खानदान का इतना बड़ा सच आज तक कोई नहीं जानता है। बड़े घरों में बहुत सारे सच दफन होते हैं। बस कीजिए आप लोग। क्या जानना चाहते हैं आप सब, और क्यों जानना चाहते हैं? ये हमारे घर की बात है, हमारे परिवार के दर्द का मजा मत लूटिए आप सब। प्लीज जाइए यहां से। और हाँ, जाते जाते एक बात समझ लीजिए आप सब, इस घर इस परिवार का एक ही सच है, और वो सच ये है कि ये घर और ये परिवार मेरा है। अंशुमन मिथिलेश झा का है। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हैं अंशुमन बाबू? जब सच सामने आया है तो सवाल उठाए। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को ये सवाल पूछने का हक किसने दे दिया? और आपने सुना नहीं अंशुमन जी ने अभी क्या बोला? ये उनका घर है, ये उनका परिवार, ये आखिरी सच है हमारा। और हाँ, ये हमारे घर का मामला है, इसे हम खुद संभाल लेंगे। देखिए, आप लोगों से विनती है कि ये जो होली का प्रोग्राम था खत्म हो गया है ना, तो आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हुई तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। माँ, माँ बताइए ना। प्लीज, वो बिग्गी किसके बेटे है, कहाँ से है? माँ प्लीज बता दो ना, सच बताओ। माँ कम ऑन, माँ बताओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे सच जानना है। माँ कहिए ना प्लीज, कहाँ से है? माँ प्लीज सच कहिए ना, क्या है? माँ प्लीज बताइए ना। माँ चल अपने कमरे में, चल। उठ गया, उठ गया। मैं भी अपना सच जानना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह माँ को परेशान करके नहीं। चल। पता है पिंपी, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि इस घर का बेटा वो बूढ़ी नहीं। हाँ, क्यों पता है? क्योंकि सबके फेवरेट सिर्फ और सिर्फ आप है पिंपी। सेंटर पॉइंट आप, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप राय बहादुर खानदान के बेटे नहीं है। इम्पॉसिबल है, आप मेरे पिपे हैं। या, आप मेरे पिपे। सच को स्वीकारना पड़ता है नंदा। चल, चल कमरे में चल। अरे धीरे धीरे धीरे, क्या क्या सच पिपे? कि आपको दर्द नहीं होता? या दिल में दर्द नहीं हो तो गुस्सा नहीं यार? होता है, बहुत दर्द होता है मुझे। लेकिन ये मेरे और मेरी माँ के बीच का मामला है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं, मेरी माँ भी उसी दर्द से गुजर रही होगी। नहीं अंशुमन जी, जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, ये पूरा परिवार भी उसी दर्द से गुजर रहा है। इस घर में चोट भले एक इंसान को लगे, लेकिन दर्द सभी को होता है। सबको उतना ही दर्द हो रहा है अंशुमन जी, जितना आपको हो रहा है। पहली बार देख रहे हैं कि निशाना किसी और पे लगाया था और लग किसी और को गया, बाकी अपना काम तो बन गया। ए छुटकी, देख रही हो तुम? अब समाज के लोगों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दीदी, हमें समाज के सवालों की परवाह नहीं है। अरे कैसे परवाह नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो समाज का परवाह नहीं, लेकिन छुटके बहुआ के मन में जो सवाल है उनका तो परवाह है ना तुमको? देखो क्या हाल हो गया उसका।
और जिस दरद से बड़के बउआ गुजर रहे हैं उसका ख्याल है। देखो छुटकी, आधा सच पूरे सच से ज्यादा तकलीफ देता है, और यही सच हम छुपा रहे ना सबसे, इस पूरे परिवार से, उस सबको तकलीफ दे रहा है। उसका ख्याल है तुमको? तकलीफ तो हम सबको है दीदी, पूरा परिवार इस दर्द से गुजरने को विवश है। अगर आपने वो बात गुस्से में अपने मुंह से ना निकाली होती तो कौन अपने ही सगे बेटे को घर से निकालने पे उतार हो जाता है? उसके लिए जो इस घर का अंग है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। देखो हम पे दोष मत दो फिर से, हम पे तलाक उठे थे ना छोटके बुआ का हालत देख के। अगर तुमने छोटके बुआ को घर से निकलने का सजा नहीं दिया होता तो हमको ये तड़पन नहीं होता, और हम ये बात कभी मुंह से नहीं निकालते, किसी को कुछ नहीं पता लगता। बिल्कुल सही कह रही है बड़ी माँ आप। आपको तो पता होगा ना कि सच क्या है, तो आप भी बता दीजिए ना। उसे बड़ी माँ बताइए ना, देखिए ना बिल्कुल कितने परेशान है। छोटके बउआ बता दीजिए ना छोटकी समधन जी, जब सच सामने आ ही गया है तो हम सब भी जान लेना कि अंशुमन बउआ का खून किसका खून है, किस खानदान से इनका नाता है। बता देंगी ना तो दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। बस करिए समधन जी, आपने सुना नहीं हमारे बड़े बेटे ने आपसे क्या कहा? ये बात हमारे बड़े बेटे और हमारे बीच की, हमारे परिवार का मामला है। आप बीच में ना ही बोले तो बेहतर है। हम चुप हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहती रहेंगी। हमने राय बहादुर खानदान के बेटे से रिश्ता जोड़ा था, किसी राह चलते वाले से नहीं। बस कीजिए माफी। अंशुमन जी को सबसे पहले हमने स्वीकार किया था, अंशुमन जी के नाम का मंगलसूत्र है हमारे गले में। हम बस इतना जानते हैं कि अंशुमन जी इस घर के बड़े बेटे, और आप ऐसी ओछी बात कर कैसे सकती हैं? ओछी बातें? हम ओछी बातें कर रहे हैं? अरे इन्होंने झूठ बोलकर रिश्ता किया हमसे, तुम्हारी सुरभि माँ ने। अब तुम्हें सुरभि माँ मिल गई तो मामी ओछी बातें कर रही है, हम ओछे हो गए तुम्हारे लिए? माँ को झूठी बोल रही है पापा। नंदन बोल रही है माँ को झूठी। नंदन 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 देखा आपने माँ, एक सच की वजह से पूरा परिवार परेशान हो गया है, और ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप मेरा पूरा सच हम सबको नहीं बता देती। चल परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, प्लीज हमारे परिवार के लिए से और मुश्किल मत कीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज अंशुमन जी जीवन के उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से उनका निकलना जरूरी है, नहीं तो वो अंदर ही अंदर टूट के बिखर जाएंगे। हमने उनका साथ देने का वादा किया है, लेकिन हम सुरभि माँ की तकलीफ भी समझते हैं। हे भोलेनाथ जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए।
तो नंदन भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया सुरभिमा। कल अंशुमन जी भी बहुत परेशान थे, वो तो घर छोड़कर जा रहे थे। हमने उन्हें बहुत मुश्किल से रोका है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम उन्हें कब तक रोक पाएंगे। सच का सामने आना बहुत जरूरी है सुरभिमा। प्लीज बताइए अंशुमन जी का सच क्या है, कौन है अंशुमन जी? अंशुमन का सच सिर्फ ये है कि वो हमारा बेटा है, राय बहादुर खानदान का बेटा है, बाकी सब झूठ है। सुरभिमा, सच और भावना में यही तो अंतर होता है ना सुरभिमा। भावनाएं सच को छुपा कर रखने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन उससे सच तो नहीं बदल जाता ना। दिल में उठ रहे सवाल उतने बेचैन नहीं करते जितने दिमाग के। क्या इतना भी हक नहीं अंशुमन जी को ये जानने का कि वो कौन है, किसका खून दौड़ रहा है उनके रगों में? सुरभिमा, अंशुमन जी को ना सही, अपनी सुमन को तो बताइए कि सच क्या है, कौन है अंशुमन जी? प्लीज हम समझ रहे हैं सुरभिमा, अंशुमन जी के सच में कुछ तो ऐसी बात है कि जो आप किसी भी हाल में बाहर नहीं आने देना चाहती हैं। सच पर कितना भी पर्दा डाल दो छुटकी, सच को बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। तुम चुप रहोगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सच सबके सामने एक दिन आएगा जरूर। सच तो यही है अंशुमन, तुम इस खानदान का खून नहीं हो। आप तो बोलिए ना पापा, मैं आप ही का बेटा हूं ना। बोलिए ना पापा, मैं आप ही का बेटा हूं ना पापा। झाजी, क्यों निकाल के बैठे? एल्बम ही तो है। ये एल्बम नहीं है झाजी, ये बम है, बम। अगर अंशुमन के हाथ लग गया तो धमाका हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप तो जानते हैं इसकी हर तस्वीर में वो सच्चाई है जिसे हमने अंशुमन से ही नहीं पूरे परिवार से छुपाया है। सुरभि जी, जिस तरह परिवार में कलेश बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है अंशुमन का जो सच है पूरे परिवार के सामने आ जाना चाहिए। नहीं चाची, बिल्कुल नहीं। यदि अंशुमन के सामने ये सच्चाई आ गई तो हम उसे खो देंगे और ये परिवार उसे खो देगा, और वो भी इस परिवार को खो देगा चाची, और अपने जीते जी हम ऐसे नहीं होने देंगे। सुरभी जी, ये एल्बम लेकर कहाँ जा रही हैं आप? दादा रे दादा, आज तो राम नाम सत्य कर दिया था इन नंदनवा ने। सुरभी जी, सुरभी जी कहाँ जा रही हैं आप? सुरभी जी, सुरभी जी आप ये सब है, ईडियो में कहाँ भागे जा रहे हैं? सुरभि जी, इस एल्बम में अंशुमन की बचपन की यादें छुपी हुई है। अंशुमन की बचपन की यादों को संजो के रखने के चक्कर में कहीं हम अंशुमन को ना खो दें जाजी। पर इस एल्बम को क्या करने जा रही हैं आप? ये फोटो शायद, सुरभि जी सुरभि जी, ये क्या कर रही हैं आप? एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। झाजी,
सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं हम। ऐसा मत कीजिए, यही तो चंद यादें हैं हमारे पास, उन्हें भी आप अगर जला देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बचेगा झाजी, बचेगा हमारा रिश्ता जो हमारे बेटे के साथ, इस परिवार के साथ। और उस रिश्ते को बचाने के लिए अगर हमें हजारों फोटो हजारों एल्बम जलानी पड़ जाए तो भी हम जला देंगे। लेकिन वो सच कभी सामने नहीं आने देंगे जिसे हमने 27 सालों से छुपा के रखा है। वो सच जो हमारी 27 सालों की तपस्या को एक पल में खत्म कर देगा चाची। हम ऐसा नहीं होने देंगे चाची, बिल्कुल नहीं। सर भीमा, पापा ये एक फोटो रह गया। अब अगर सब कुछ जलकर खाक हो ही गया है, इस एक फोटो का क्या होगा? पापा हम बस इतना जानना चाहते हैं कि ये हमारी मुजफ्फरपुर वाली हवेली ही है ना? इसका मतलब अंशुमन जी की पिछली जिंदगी मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई है। बस अमल, सुरभि जी ये क्या किया आपने? एक आखिरी निशानी थी, उसे भी जला दिया आपने। अंशुमन की पिछली जिंदगी में झांकना मत कर, समझी? और एक बात अच्छे से गांठ बांध लो, हमारे और हमारे बेटे के बीच में कभी मत आना। ये हमारी आखिरी चेतावनी है तुम्हारे लिए। आइए चाची, हमें माफ कर दीजिए सर भीमा, हम भी आपके और अंशुमन जी के बीच में नहीं आना चाहते। हमने अंशुमन जी को जीवन साथी चुना है और हम हर कदम पर अंशुमन जी का साथ देंगे। भले ही आज हम इस तस्वीर को जलने से नहीं बचा पाए, लेकिन हम कसम खाते हैं हम इस घर के बिखरे हुए रिश्ते को हर हाल में जोड़कर रहेंगे। का पता नहीं काका जल गया होगा ये आग में, लेकिन हम ये आग को बुझने नहीं देंगे। हवा देके ना और भड़काएंगे। सुरभि माँ ने कभी हमसे ऐसे बात नहीं की है। जरूर ये कोई ऐसा राज है जिसके खुलने से परिवार पर परेशानी आएगी। सुमन बेटा, इस दिए की रोशनी घर के लिए शुभ होती है, तो हमारा दायित्व है कि ये दिया कभी ना बुझे। सुमन बेटा, एक बात का ध्यान रखना बेटा, आज जो तुमने तस्वीर देखी और जो एल्बम जलते हुए देखी, वो बात अपने दिल में कहीं छुपा लेना बेटा, ऐसे कि जैसे कुछ देखा ही ना हो। ये बात किसी भी सूरत में
अंशुमन तक नहीं पहुंचनी चाहिए बेटा, वरना हम खत्म हो जाएंगे। नहीं सुरभि माँ, आप प्लीज ऐसे मत कहिए। आपने हमें इस घर में बहू से पहले बेटी के रूप में अपनाया था, और एक बेटी अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात कैसे सुन सकती है? प्लीज आप आज के बाद ऐसे कभी मत कहिएगा। वादा करो हमसे, अंशुमन जो 27 साल पुराना राज जानना चाह रहा है वो राजी रहे बेटा, वो राज उसे जानने से रोकना। और सुमन तुम भी इन बातों के पीछे मत जाना। मैं खुद आपसे वादा करता हूं कि सच चाहे जैसा भी हो और इससे चाहे मेरी जिंदगी पर कैसा भी फर्क क्यों ना पड़े, मुझे नहीं जानना। मैं बस एक ही सच जानता हूं और वो ये है कि आप ही मेरी मां हैं। आपको खोकर और कोई सच नहीं जानना मुझे। अयो दादा, हमारा गर्दन भले ही टूट गया, बाकी इनका अटूट बंधन नहीं टूटा। अब गर्दन टूटा है तो हम ये बंधन भी तोड़कर ही दम लेंगे।